उमेश सर बीटी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम फिर आप लोगों के पास एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग कक्षा सातवीं के प्रश्नावली 5 को। इस अध्याय में पढ़ने वाले हम लोग कोष्टकों का प्रयोग, जैसे कि हम लोग कोष्टक को कैसे प्रयोग करते हैं और इसका यूज करने का तरीका क्या है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। और सवाल जो भी है तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कोष्टक क्या है। तो कोष्टक क्या है देख लीजिए, जैसे कि कोष्टक अभी उपयोग नहीं होगा, जैसे इस कोष्टक को हम लोग बोलते हैं, ये जो कोष्टक है ये छोटा कोष्टक है, इसको क्या बोला जाता है, छोटा कोष्टक। ये हमारा क्या है, छोटा कोष्टक है। इसके बाद ये थोड़ा सा ऐसा घूम के आता है, ये हमारा क्या कहलाता है, मझला कोष्टक। इसके बाद आ जाता है, इसे होता है बड़ा कोष्टक। ये हमारा कोष्टक पार्ट है। तो इसमें हम लोग कोष्टक को देख लेते हैं और इसमें और एक आ जाएगा, यहाँ पे आता है, ये ऐसे है, इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। ये क्या है, रेखा कोष्टक। मात्र आप लोग नाम जानने का प्रयास कीजिए अभी, और इसमें मात्र अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये छोटा कोष्टक का ही उपयोग होगा और नेक्स्ट प्रश्नावली में इन बाकी का कोष्टक का उपयोग होगा। तो यहाँ पे हम लोग छोटा कोष्टक का ही उपयोग करते हैं और ज़्यादा लंबा बात नहीं करके सवाल को हल करते हैं। जैसे कि हमारा दिया हुआ है उत्तर क्रमांक 1, ज़्यादा लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, एक लाइन का सवाल है। निम्न कथनों को कोष्टक का प्रयोग करके लिखिए, मतलब यहाँ नीचे सवाल दिया गया है इसको कोष्टक का प्रयोग करके लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10 और 2 के अंतर, मतलब क्या दिया है, 10 और 2 के अंतर। जैसे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखना है, 10 और ये 2। तो यहाँ अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है घटाव का चिन्ह। क्या चिन्ह होता है, इसको, इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, घटाव का चिन्ह बोलते हैं। तो ये इसका हो जाएगा घटाव का चिन्ह, मतलब यहाँ लिखा है 10 और 2 के अंतर, मतलब यहाँ पे अंतर डाल देंगे, वो 30 से भाग किया जाए। अब इसको बोल रहा है 30 से भाग किया जाए, मतलब ये दोनों को एक साथ दर्शाना है। तो एक साथ कैसे दर्शाएंगे, तो एक साथ दर्शाने के लिए वहाँ का क्या का प्रयोग किया जाता है, कोष्टक को, कोष्टक का। ये कौन सा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, तो 30 से भाग दिया जाए। तो यहाँ 30 से भाग कर देते हैं, यहाँ भाग का चिन्ह कर देंगे और यहाँ लिख देंगे कितना, 30। तो इस प्रकार हमारा जो सवाल है बन के तैयार है, सवाल नंबर 1 का उत्तर 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग दिया जाए, यह हमारा आंसर है। उसी प्रकार सवाल नंबर 2 को देखिए क्या है, 12 और 5 के अंतर, सेम वही दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे 12 और 5 का अंतर को 27 से गुणा किया जाए। यहाँ पे गुणा का चिन्ह आप लोग को पता ही होगा, गुणा का चिन्ह कैसा होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं गुणा। इस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो 12 और 5 के अंतर को 27 से गुणा किया जाए, तो हम गुणा कर देंगे ऐसे। तीसरा नंबर देखिए, 4.5 और 2.3 के योग, मतलब यहाँ दिया हुआ है 4.5 और यहाँ दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है योग। तो जैसे हमारे पास आया यहाँ घटाव आया, गुणा आया, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, योग। तो योग को दर्शाते हैं धन चिन्ह के द्वारा, तो यहाँ लिख देंगे योग। यहाँ 4.5 धन 2.3
तीन का योग में 3.8 का भाग दिया जाए, मतलब यहाँ पे 3.8 का भाग कर देते हैं। जैसे हम भाग का चिन्ह छोड़ दिया था, तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, ये चिन्ह है भाग। गणित में जो चार संक्रिया होती है, जोड़ घटाव पूरा भाग, तो भाग किया जाए। अब उसी प्रकार अगला है अंतिम सवाल, प्रश्न एक का 28/7 में 2/3 एवं 7/5 के योग का भाग दिया जाए। मतलब यहाँ थोड़ा सा घुमा दिया है, 2/3 एवं 7/5, मतलब दोनों का योग करना है। ध्यान, 7/15 का योग का भाग दिया जाए, मतलब हम लोग इसमें क्या करेंगे, 8/27 का भाग कर देंगे। इस प्रकार जो हमारा सवाल है, प्रश्नावली 5.1 का चारों सवाल बन के कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न 2, निम्न कथनों का कोष्टक का प्रयोग करके लिखिए। हमारे पास देखिए यहाँ पे कुछ सवाल दिया गया है, इसको हम लोग कोष्टक का प्रयोग करके लिखने वाले हैं, पिछले सवाल की तरह ही है। तो चलिए देखते हैं, सवाल पढ़ पढ़ के बनाने का प्रयास करते हैं। 15 और 28 के योग, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15 और 28 के योग, मतलब इसको टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ेंगे। 15 और 28 के योग, तो मतलब 15 और 28 के योग, योग को मैंने पहले बताया था क्या लिखेंगे, ये हल हमारा है 15 / 28, मतलब 15 और 28 का योग, योग कर दिए, मतलब एक हमारा बन चुका है, एक कंडीशन है। में 8 तथा 7 के अंतर, मतलब यहाँ पे 8 और 7 बोल रहा हूँ, 6 के अंतर का गुणा किया जाए, इतना का अंतर, मतलब 8 और 6 का अंतर, यहाँ पर 4 कर रहे हैं आपस में, इसको गुणा किया जाए। तो देखिए हमारा सवाल नंबर 1 बन के तैयार है, ये हमारा छोटा सा उत्तर है। कुछ भी नहीं करना है, बस सवाल को पढ़ना है। 15 और 28 के योग में 8 तथा 7 के अंतर, अंतर मान्य होता है घटाव, का गुणा किया जाए, तो आपस में क्या किए, दोनों का गुणा कर दिए। और सवाल नंबर 2 को देखिए, 37 एवं 28 के गुणा क्या दिया हुआ है, गुणा, मतलब कोई भी सवाल पढ़ेंगे तो हमारा जो चार संक्रिया है, जोड़ गुणा भाग, कहीं ना कहीं आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे घटाव की जगह अंतर का प्रयोग किया गया है, तो ये चारों संक्रिया को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। 37 एवं 28 के गुणा ध्यान देते हैं, 37 एवं 28 के गुणा में है, तो हमारा एक जो है छोटा कोष्टक लग के तैयार हो चुका है। में 11 में 29 के भाग, 37 एवं 28 के गुणा में, गुणा में 11 में 29 के भाग का योग किया गया, 11 में, मतलब यहाँ पे 11 में 29 के भाग का क्या किया जाए, योग किया जाए। देखिए 11 में 29 के भाग का आपस में क्या कर दे रहे हैं, योग कर दे रहे हैं, ये हमारा उत्तर आ गया है। छोटा छोटा है, जब तक सवाल को नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बन पाएगा। अब अगला दे रहा है 8.45 तथा 6.75 के अंतर, एक लाइन का है 8.45 और तथा 6.75 के अंतर, यहाँ अंतर डाल देंगे,
यहाँ तक का एक कोष्टक तैयार है में 3.2 और 2.4 के योग, 3.2 और 2.4 का क्या किया है योग का क्या किया जाए, यहाँ पर देखिए योग का क्या किया जाए गुणा, तो यहाँ से गुणा कर दिए। चौथा नंबर 5 और 11 के योगफल, 5 और 11 के योगफल के दुगुने में, 5 और 11 के योगफल के ये दोगुने, दो से क्या कर दिए गुणा, दोगुने में 8 और 3 के कितना है 8 और 3 के अंतर को घटाइए, यहाँ घटा दिए 5 और 11 के योगफल के दुगुने में 8 और 3 के अंतर कोष्टक है को क्या करना है घटा देना है। पांचवा नंबर देखिए 4/27 एवं 5/9 के योग, मतलब 4/27 और 5/9 के योग में 7/8 का भाग, 7/8 का भाग है, भाग कर दिए तो हमारा उत्तर आ गया बहुत ही छोटा। अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का 5 एवं 10 का योग देखिए, 5 एवं 10 का योग मतलब 5 और 10 को लिख दिए बीच में योग डाल दिए, फिर 7 एवं 3 का अंतर मतलब 7 और 3 मतलब संख्या 7 लिखे 3 लिखे आगे क्या लिखा है अंतर यहाँ डाल दिए अंतर, तथा फिर तथा लिखा है यहाँ पे देखिए 3 कोष्टक बन रहा है 8 एवं 25 का गुणा 8 और 25 या 8 को लिखे और 25 के क्या है ये गुणा का आपस में योग मतलब सभी को आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे आपस में योग किया जाए। इस प्रकार हमारा ये उत्तर आप लोग के सामने बनकर तैयार है। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल में नए हैं और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।